नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। देखिए, आईपीएस आदित्य कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जी हां, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो फरार हैं। जी हां, एक आईपीएस अधिकारी बिहार से फरार है और वो भी जालसाजी के मामले में। आप तो पहले भी जान चुके होंगे मामला क्या है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं कि आपको जालसाज दोस्त ने धौंस देकर डीजीपी को, एसके सिंगल को, आपको जज बन करके पहले झांसे में लेता है वो जालसाज दोस्त जिसका नाम अभिषेक अग्रवाल है, और अपने परम अजीज मित्र यानी आईपीएस आदित्य कुमार को मामले से बरी करा देता है, फिर पोस्टिंग का दबाव डालता है। यहां तक कि सीएम ऑफिस तक भी धौंस दिया था उस शख्स ने, लेकिन जब मामला संदिग्ध हुआ तो ईओयू ने जांच शुरू की और उसमें पूरा का पूरा मामला साफ हो गया और इस पूरे प्रकरण में आईपीएस आदित्य कुमार की संलिप्तता पाई गई है। एडीजी मुख्यालय जीएस गंगवार ने साफ कह दिया है कि उनकी संलिप्तता पाई गई है 420 वाले मामले में, जालसाजी मामले में और साइबर क्राइम में पाई गई है। तो ऐसे में आईपीएस आदित्य कुमार कहां हैं? बिहार की पुलिस खोज रही है, सरगर्मी से खोज रही है उन्हें। कहां है वो? उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ बताया, वो फरार भी हैं। यानी कहने का मतलब है कि उन्हें भी मालूम है कि मैं गिल्टी हूं, मैं दोषी हूं। अगर वो दोषी नहीं रहते तो सामने आते, समाज के सामने आते, मीडिया के सामने आते, अपनी बातें रखते, लेकिन वो फरार चल रहे हैं। ऐसे में अब बिहार की पुलिस उन्हें सरगर्मी से खोज रही है। यहां तक बताया तो जा रहा है ये भी आपको कि बिहार ही नहीं, बिहार के आसपास पड़ोसी राज्यों में भी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। कहां है आईपीएस आदित्य कुमार? कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, ताकि गिरफ्तारी के बाद ही सच और खुल करके सामने आएगा कि और कौन कौन से मामले में इन्होंने रफा दफा किया है, ताकि ईओयू ने जो तीन व्यक्ति अभिषेक अग्रवाल के साथ तीन अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है, रिमांड पर लेकर के पूछताछ कर रही है, उसमें कई राज फांस हुए हैं, कई बातों का खुलासा हुआ है और उसी की सच्चाई जानने के लिए आईपीएस आदित्य कुमार की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। तय ही नहीं बल्कि उनकी तलाश की जा रही है। कभी भी कहीं से भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं, उसके बाद ही पूरा मामला क्लियर हो पाएगा। मैं आपको बता दूं पूरे मामले की, तो आईपीएस आदित्य कुमार का यह मामला है गया में जब ये एसएसपी थे। जी हां, गया में जब ये एसएसपी के पद पर थे तो वहां पर फतेहपुर थाना है और उसी में एक तत्कालीन थानेदार थे संजय कुमार। उन्होंने एक शराब की बड़ी खेप पकड़ी, तस्कर को पकड़ा, लेकिन संजय कुमार और आईपीएस आदित्य कुमार एसएसपी गया तत्कालीन, दोनों ने मिलीभगत करके उस शराब की खेप को भी छोड़ दिया, उसके बाद उस तस्कर को भी छोड़ दिया। और ये एक बार नहीं बल्कि कई दफा रिपीटेशन में ये काम जारी रहा, जिसकी भनक तत्कालीन आपको वहां आईजी थे अमित लोढ़ा, उनको लगी तो उन्होंने एसएसपी को आदेश दिया कि थानेदार पर कार्रवाई करे, लेकिन थानेदार और एसएसपी की तो मिलीभगत थी। ऐसे में कैसे आदित्य कुमार, संजय कुमार तत्कालीन थानेदार पर कार्रवाई कर सकते थे? उन्होंने सिर्फ चेतावनी भरे लहजे में प्यार से समझा करके मामले को रफा दफा कर दिया, लेकिन अमित लोढ़ा ने इसकी शिकायत मुख्यालय से कर दी। फिर क्या था, जांच बैठी और जांच में वहां से तत्काल आईपीएस आदित्य कुमार का तबादला कर दिया गया। ये पूरा प्रक्रम है, लेकिन जांच में पाया गया कि मिलीभगत है, संलिप्तता है, इसीलिए आपको वहां के ही फतेहपुर थाना में आईपीएस आदित्य कुमार पर मामला दर्ज कर लिया गया और उसी मामले को रफा दफा करने के लिए इनके जालसाज दोस्त यानी नटवरलाल अभिषेक अग्रवाल ने डुप्लीकेट आपको जस्टिस बनकर के डीजीपीएस के सिंगल को झांसे में ले लिया और झांसे में लेकर के फतेहपुर मामले से इनका नाम हटा दिया, हटवा दिया। जी हाँ, हटवा दिया, लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ता, लेकिन कहते हैं ना लालच बुरी बला, उसे अब और लालच आई कि मैं अपने मित्र की पोस्टिंग करा दूं, ताकि ये मुख्यालय में पड़े हुए थे, पोस्टिंग करा दूं। इसको लेकर 50 से 60 बार वो व्हाट्सएप कॉल करने लगा। डीजीपी को शक हुआ, शक होने के बाद पूरे मामले को ईओयू को सपुर्द कर दिया। मामला जब जांच में आया तो पूरा का पूरा मामला खुल करके आ गया और आदित्य कुमार इसमें संलिप्त पाए गए हैं। इसको लेकर के अब आदित्य कुमार की गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस ने तेज कर दिया है अभियान। कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। जब
कभी भी कुछ भी सुराग मिलेगा, सबसे पहले कशिश न्यूज आपको बताने का काम करेगा। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। अगर इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।